है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आए कलियर शरीफ, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कलियर शरीफ दरगाह, तो जैसे कि मैंने अभी पिछला वीडियो अपलोड करा तो आपको बताया कि किस प्रकार का माहौल है। और अभी हमारे साथ है जो दरगाह शरीफ के खादिम साहब है, और ये अभी आपको बताएंगे कि अभी हम कौन से दरगाह शरीफ में, और अभी आपको बैक कैमरे से पूरा दीदार कराएंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे। तो आप बताइए, मतलब ये दरगाह शरीफ कहाँ पड़ती है? और ये माशाल्लाह कलियर शरीफ सरजमी पड़ती है उत्तराखंड स्टेट में, और रुड़की सिटी पड़ती है, और नगर पंचायत पिरान कलियर शरीफ दरगाह हजरत साहिब पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और पहली हाजिरी है हजरत इमाम साहब 70 पीर 72 वलियों के आप इमाम हैं, और माशाल्लाह जितनी भी ज़ायरीन आते हैं साबिर पाक में हाजिर देने, उनकी कोशिश होती है कि आपकी बारगाह में वो हाजिरी दें, और माशाल्लाह आते हैं। और काफ़ी लोग जो हाजिरी वगैरह वाले हैं जिन्नात भूत प्रेत वाले, वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और बैठ जालियों पर बैठ के दुआ मांगते हैं। माशाल्लाह उनको भी काफ़ी फैज़ होता है, आराम होता है। और ये इतनी बड़ी हस्ती दरबार है कि यहाँ पे आए यासीन शरीफ नमाज और अदब से जो भी मांगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। बुज़ुर्गों की बारगाह में अदब का मामला है इमाम साहब की बारगाह में, तो इंशाल्लाह आए आप तो अदब से दरबार शरीफ में रहें, मुख्तसर रहें और वजू से रहें, और दरबार में रिक्वेस्ट करके अपनी बातें रखें, इंशाल्लाह आपकी बात रखी जाएगी। और दोस्तों मतलब आप किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप खादिम साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इन्हों के नंबर आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हाजिर से संबंधित कुछ बात करनी हो और अगर यहाँ पे आकर के कुछ जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे इन्हों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये पूरा नज़ारा है, और अभी आपको बैक कैमरे से बाहर से पूरा सीन दिखाते हो, पूरा दीदार कराते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, काट करके मत देखना। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि अपने चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हो। दोस्तों फाइनली मैं अभी पीरान कलियर शरीफ में हूँ, जहाँ पे भूत प्रेत रूहानी ताकतें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है। तो फाइनली मैं अभी उत्तराखंड सरजमी पर हूँ, पीरान कलियर शरीफ। चलिए दोस्तों एक कैमरे से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और कौन से दरगाह शरीफ में आपको पूरा दीदार कराएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट आप वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कलियर शरीफ दरगाह में जो पहली जियारत है, और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे आपको मन्नत की चिट्ठियाँ यहाँ पे बंधी हुई नज़र आएगी, और कई सारे यहाँ पे मन्नत के धागे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ जो पेड़ है वे लगे हुए हैं, और हर जगह आपको मन्नत की चिट्ठियाँ, जैसे कि जो भी मन्नत है आप लिख करके एप्लीकेशन के जरिए आप यहाँ पर लगा सकते हो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दरगाह शरीफ का माहौल है पूरा, और दोस्तों यहाँ पे जिन्नात भूत प्रेत जो काला जादू ऐसे चीज़ें होती है, यहाँ भी इन सब चीज़ों का इलाज होता है, अपने आप यहाँ पे हाजिरी आने लग जाती है उन लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे ये लगा रखी है कई सारी, आप बल्ली देख सकते हो यहाँ पे बांध रखी है कई सारे डंडे के आकार में। तो दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर बल्लियाँ बांध रखी है। ये पूरा नज़ारा है इमाम साहब की, जो कि आप कलियर शरीफ दरगाह आओगे कलियर शरीफ तो सबसे पहले ज़ियारत है इमाम साहब की बारगाह। आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, काफ़ी बढ़िया यहाँ का माहौल है दोस्तों, जैसे कि काफ़ी रहस्यमय दरगाह शरीफ है ये, यहाँ भी इन सब चीज़ों का इलाज होता है। और अभी यहाँ पर हम मौजूद है जो आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, और आगे चलते हो और आगे का नज़ारा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा ये गुम्बद दरगाह शरीफ का काफ़ी बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में दरगाह शरीफ है, मजार शरीफ है, अल्लाह के वलियों की करामात है आपको बताई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों और आगे चलते हो, यहाँ पर चिराग भी रोशन रहता है जो अभी आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे दरगाह शरीफ में एक जाली है, खिड़की है, हर जगह आपको मन्नत के धागे यहाँ पे बंधे हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो ये चिराग है जो यहाँ पे रोशन रहता है, ये पूरा नज़ारा।